बात अन्नदाता की करते हैं हम। बेमौसम बारिश से पूरे देश का अन्नदाता परेशान है और उत्तराखंड के किसानों की भी यही स्थिति है। देश के किसानों से उनकी स्थिति जुदा नहीं है। तेज हवा और बारिश से फसल को वहां भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। उत्तराखंड में ऑल इज नॉट वेल। पहले सरकार पर छाए संकट के बादल, अब किसानों पर कुदरत का डबल अटैक। उत्तराखंड में इन दिनों शायद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सरकार है नहीं, अगर है भी तो नाम मात्र के लिए। रोजमर्रा की जिंदगी से रूबरू होने वाली जनता इसलिए परेशान है कि साहब सरकार में कोई है नहीं, तो परेशानी बताई जाए तो किसे बताई जाए। लेकिन सरकार तो भैया सरकार है, जिस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इसी सस्पेंस के बीच किसान भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई कुदरत से है, जिसमें हार वाजिब है। कुछ दिन पहले तक खेतों में लहलहाते इन फसलों को देखकर किसानों की बांछें खिल जाती थी। लेकिन देश के अन्नदाता को क्या पता था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कुदरत इनसे बेवफाई कर बैठेगा। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि फसलों से गुजारे लायक अनाज हाथ लगना तो दूर, किसानों के सामने अगली फसल के लिए बीज बचाने की समस्या भी खड़ी हो गई है। उत्पादन जी पूरा कम हो जाता है, एकदम आधा हो जाता है। जरा लेट लेट बोने से उत्पादन में फर्क पड़ जाता है। टीडीसी वाले, पंतनगर वाले जो बीज दे रहे हैं वो लॉन्ग टाइम का बीज दे रहे हैं, उसको 5 महीने लगते हैं पूरे। अब ये जो है अब 4.5 महीने में हो नहीं पाएगा पूरा, तो बारिश पड़ जाएगा, गेहूँ उत्पादन कम हो जाएगा। आलम यह है कि बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से उत्तराखंड के किसान हलाकान हैं। बारिश की वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, दलहन और तिलहन की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार की अच्छी पैदावार से पिछली बार का कर्ज पूरा हो जाएगा। जानकार मानते हैं कि इस बार फसलों की पैदावार में प्रति हेक्टेयर में औसत गिरावट काफी ज्यादा रही है। इस समय जो औसत उपज है हमारी 15 क्विंटल आ रही है, जबकि हमारी सारी प्रजातियां 45 क्विंटल के करीबन उपज पर हेक्टर उपज देती हैं। गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र और कोटद्वार के भावर इलाके में खड़ी फसलों पर कुदरत का कहर जमकर टूटा है। किसानों का आरोप है कि न तो प्रशासन न ही सियासी नुमाइंदे उनकी पीड़ा सुन रहे हैं। ऐसे में किसान एक बार फिर अपनी बर्बाद फसलों को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विनोद कांडपाल, इंडिया 24/7, पौड़ी।